राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्यंजन में। और आज मैं आपके लिए एक अलग रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं केले के कोफ्ते। जी हाँ, कच्चे केले के कोफ्ते बनाने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर कच्चे केले को बॉईल कर लिया है। ये देखिए, मैंने करीब 6 केले लिए हैं और 5-6 सदस्यों के लिए बनाना है, तो मैंने 6 केले यहाँ पे लिए हैं और बॉईल कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे कुछ मसाले वगैरह निकाल के रखे हैं, और ये 3 टमाटर मैंने पीस के रखा है साथ में, और ये 3 करीब मैंने प्याज पीसे हैं, छोटे प्याज थे, और धनिया कट कर रखे हैं। थोड़ा सा मैंने 3-4 चम्मच ये बेसन लिया है बाइंडिंग के लिए, और ये हमारे कुछ खड़े मसाले हमने निकाल के रखे हैं। तो तेज पत्ता है, इसमें सौंफ है 1 चम्मच, मेथी है, जीरा है, और हींग है, कसूरी मेथी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केले के छिलके को निकाल देंगे और केले को मैश कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने केले को छील लिया है अच्छे से, और ये छिलका है तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि मैंने धुल के अच्छे से छिलकों को उबाला था। तो ये जो है छिलके की हम भुजिया बना सकते हैं, तो मैं इन्हें नहीं फेंकूंगी, और इन्हें बाद में मैं इसकी सूखी सब्जी यानी भुजिया बना लूँगी। फिलहाल अभी मैं बनाने जा रही हूँ केले के कोफ्ते। तो इसे अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे मैशर से। तो आप मैशर से मैश कर लीजिए, या फिर इस तरह का ग्रेटर हो तो उससे आप ग्रेट कर दीजिए, उससे भी बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये जो है अपने केले को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें थोड़ा टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चम्मच के करीब ये आमचूर पाउडर, 1 गांठ मैंने लहसुन को कूट के रखा है, और इसमें साथ में 2 हरी मिर्च तीखे के लिए डाला है। तो 2 हरी मिर्च और 1 गांठ लहसुन कूट के हम डाल देंगे इसी में, थोड़ी धनिया हम डाल देंगे इसी में, और 1 प्याज ये थोड़ा बारीक कटा हुआ डालेंगे हम। ये बेसन जो कि बहुत ज़रूरी है बाइंडिंग के लिए, आप बेसन इस्तेमाल करें, या फिर उड़द दाल का जो पाउडर होता है उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ही पहले डाल रही हूँ, कभी कभी क्या होता है केले ज़्यादा गले होते हैं तो उसमें जो है कम ज़्यादा बेसन लगता है, और कभी कभी बहुत टाइट केला होता है तो उसमें कम लगता है। तो आप देख लीजिए कि आपका केला कैसा है, उसी हिसाब से जो है आप उसमें मिक्स कीजिए बेसन। ज़रूरत से ज़्यादा बेसन जो है कोफ्ते को टाइट बना देता है, तो उतना ही डालिए जितना उसमें जाए। तो देखिए, हमने यहाँ पर इसका अच्छा सा एक सख्त सा डो बना लिया है। अब क्या करेंगे, हम अपने हाथों में तेल लगा के इसकी छोटी छोटी बॉल बनाएंगे कोफ्ते के लिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने अपनी सारी बॉल ये बना ली हैं, और अब चलते हैं गैस की तरफ। देखिए दोस्तों, तेल हमने गैस पर रख दिया था और अच्छा गर्म हो गया है तेल हमारा। तो पहले हम एक बॉल डाल के देख लेंगे, कभी भी कुछ भी तलना हो तो सबसे पहले एक डाल के देख लेते हैं, और ये चेक कर लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि फट रहा है या कुछ है, बस सही है एकदम परफेक्ट। तो अब हम अपनी सारी बॉल जो है इसमें डाल देंगे, और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक तल के तब आगे सब्जी बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने सारी बॉल डाल दी हैं, और इन्हें अभी करछी नहीं लगाई है इसमें, और इसे ऐसे ऐसे धीरे से हम कढ़ाई पकड़ के हिला देंगे, ताकि चारों तरफ से जो है हमारी बॉल एकदम बढ़िया बराबर से सिक जाएं, और थोड़ी देर बाद हम इसे करछी से चलाएंगे, क्योंकि अभी पहले बहुत सॉफ्ट थे, अभी थोड़ा सा इन पर एक अच्छा सा परत बन गई है सख्त, तो अब करछी हम लगा सकते हैं। तो ऐसे करके हम इसे गोल्डन ब्राउन तल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे जितने भी कोफ्ते हमने बनाए हैं ये गोल्डन हो चुके हैं, इन्हें ज़्यादा तलने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल लो फ्लेम पर भी तलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये केले हमारे उबले हुए होते हैं, और बेसन भी हमने मतलब भर का ही डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, तो ये बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो
अब सेम उसी कढ़ाई में हमने तेल को कम कर दिया है और हम क्या करेंगे, अभी जो हमारे खड़े मसाले थे जीरा, हींग, मेथी और सौंफ डाल देंगे। तो सौंफ ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इन सबको डाल देंगे और साथ में हम डाल देंगे ये तेज पत्ता और अब हम अपना ये प्याज डाल देंगे इसमें। प्याज को गोल्डन होने देंगे हम। देखिए दोस्तों, जब तक हमारा प्याज पक रहा है, मसाला पक रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक हम इसमें छेद कर लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया बने हैं। तो इसमें हम छेद कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, दो चार जगह पे ऐसे हम छेद कर देंगे और बहुत ही ये सॉफ्ट हो जाते हैं। छेद इसलिए कर रहे हैं ताकि ग्रेवी अच्छे से अंदर तक चली जाए। देखिए दोस्तों, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने पीस के रखे हैं, तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें, साथ में डालेंगे नमक, क्योंकि डाला है हमने टमाटर तो नमक ज़रूरी है डालना। तो यहाँ पे ग्रेवी के हिसाब से हम डालेंगे नमक, क्योंकि नमक हमने अपने कोफ्ते में भी डाला है। एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी हम इसी में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला के पकाएंगे तब तक जब तक कि हमारा ये मसाला तेल न छोड़ दे। साथ में हमने जो कसूरी मेथी रखी थी उसे भी डाल देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला अच्छे से पक गया है और साइड साइड से तेल भी छोड़ने लगा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी, लगभग दो कटोरी पानी हम डालेंगे इसमें। 7-8 मिनट लगेगा लगभग, इसे हम पकने देंगे। दोस्तों देखिए, अब करीब करीब हमें 6 मिनट हो गया है इसको पकाते हुए, 6-7 मिनट हो गया है और हमारी ग्रेवी थोड़ा गाढ़ी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉल हमने बना के रखी कोफ्ते वो हम इसमें डाल देंगे और 2-3 मिनट इसे हम और पकाएंगे, बस ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट और पकाएंगे। तो देखिए अब 2-3 मिनट हो गया है और देखिए कितने फूले फूले से और कितने सॉफ्ट, ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने फूले फूले से हमारे ये कोफ्ते बनके तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। दोस्तों देखिए, तैयार है हमारी ये गर्मा गर्म कच्चे केले के कोफ्ते। और आप चाहें तो चाहे धनिया से इसे सर्व करके, सजा करके सर्व करें, या फिर क्रीम से सजा के सर्व करें, या फिर दही के साथ भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर धनिया से सजा दिया है अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही टेस्टी बनता है और इतने सॉफ्ट बनते हैं। आप देखिए, मैं कोई भी पीस आपको कट करके दिखाऊँ, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो आप भी बनाइए इस तरह से कच्चे केले के कोफ्ते। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली रेसिपी में, तब तक एंजॉय कीजिए। बाय बाय।